रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। तोता घाटी में खाई की ओर लटकी कार के नीचे गिरा चालक, SDRF ने बरामद किया शव। कर्नाटका में जीका वायरस ने दी दस्तक, 5 साल की बच्ची की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तवांग सेक्टर के पास भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प, भारतीय जवानों ने 600 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। अब खबर विस्तार से। एकल समर्पित आयोग और सदस्य सचिव, अपर सचिव पंचायती राज के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य के लिए शहरी विकास विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जनमानस के साथ विस्तृत विचार विमर्श सुनवाई कार्यक्रम का नगर निगम सभागार में आयोजन किया गया। आपको बता दें, नगर निगम देहरादून क्षेत्र में सीमा विस्तार के उपरांत पूर्व नगर निगम सीमा के अतिरिक्त 72 गांव सम्मिलित किए गए थे और इस समस्त क्षेत्र को 100 वार्डों में विभाजित किया गया। वर्ष 2017 में निकाय चुनाव के लिए वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग भी वार्डवार गणना की गई थी। नगर निगम देहरादून की कुल जनसंख्या में पिछड़ी जाति का प्रतिशत 11.92 है। देखिए, बैठक अभी चल रही है, पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में जो है OBC को लेकर जो है कोर्ट ने चिंता जाहिर करी है और उसी के तहत हमारे जो निगम के क्षेत्र है उसमें सभी पार्षदों को यहाँ बुलाया गया है ताकि OBC का जो निर्धारण है, OBC के जो मानक हैं उनके अनुसार जो है उसकी जनगणना और उसकी संख्या जो है ठीक प्रकार से आ सके, इसलिए सभी पार्षदों को यहाँ आज बुलाया गया है और बैठक चल रही है। मुझे दूसरी बैठक में जाना है, इसलिए मैंने उनसे जो है क्षमा मांगते हुए उनसे जाने की अनुमति ली। आज 10वां द्विवार्षिक अधिवेशन डिप्लोमा पशु चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सौरभ बहुगुणा और अति वरिष्ठ अतिथि के रूप में सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। हम सबसे बड़ा जो आज उत्तराखंड ने सरकार ने कदम उठाया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने भूसे के ऊपर 50% सब्सिडी दी है। आपको पता है कि पिछले साल भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 16 रुपये क्विंटल के आसपास रेट पहुँच चुके थे। उसको देखते हुए हमने पशुपालकों को राहत देने की सोची और माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट का धन्यवाद करता हूँ, समस्त सहयोगियों का, कि उन्होंने 50% उत्तराखंड में जो हमारे दुग्ध समितियों से जुड़े हुए 52,000 पशुपालक हैं उनको हमने 50% सब्सिडी दी। जो हमारे साइलेज थी, जो जानवर का जो साइलेज हम देते हैं, वो पहले हम 50% पे देते थे सब्सिडी पे, उसको हमने बढ़ा के 75% करने का काम किया है। अच्छी नस्लों की गाय जो है हमारे कालची डेयरी से और हमारे दूसरी डेयरियों से हम लोगों को दे रहे हैं। हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया ताकि 95% उसकी सक्सेस रेट है, जिसमें कि हमारी बच्चियाँ होने की ज़्यादा चांसेस हैं और मेल कम हो जाएंगे। तो कोशिश है कि पशुपालकों को लगातार राहत भी दी जाए। प्रोत्साहन राशि हम दे रहे हैं 4 रुपये की, सरकार ने पिछले साल की प्रोत्साहन राशि पूरी की पूरी क्लियर करी दुग्ध उत्पादकों की, और 4 रुपये की जो इस साल की प्रोत्साहन राशि थी वो हमको एडवांस में बजट में दी गई। तो एक कोशिश है कि पशुपालकों को राहत दे के, चाहे वो भूसे के फ्रंट पर हो, साइलेज के फ्रंट पर हो, अच्छी क्वालिटी की नस्ल दे के और उनको प्रोत्साहन राशि समय पर दी जाए, तो उससे पशुपालकों को राहत। सिडकुल के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विपक्ष को राजनीति ना करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए सभी प्रयास जारी है। आपको बता दें कि मामले में जल्द ही पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि विपक्ष इस संवेदनशील मामले पर जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, उसे देखकर लगता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अंकिता भंडारी के माता पिता को कोई भी दिक्कत है तो वो सीधा सरकार से बात कर सकते हैं। जांच बिल्कुल सही दिशा में हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियुक्तों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो कार्रवाई की गई है और आगे और कड़ी कार्रवाई तो वो भी की जाएगी, लेकिन अंकिता के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, अंकिता को न्याय मिलेगा, ये हमारी सरकार का संकल्प है, ये मैं कहना चाहता हूँ। परिजनों की ओर से ऐसी बात नहीं है, कोई बात आप सामने नहीं आई है। हाँ, विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसको उस गरीब हमारी बच्ची की उस जो जघन्य हत्या है उसको भी राजनीति की रोटी सिक रहा है, वो ठीक नहीं है। ऐसे मौके पर जो है इस प्रकार की जो व्यवहार है कि उचित नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि
सर, अगर लगता है आपको कहीं कोई संदेह है तो आप कह सकते हैं, हम और आगे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या पर, किसी की जघन्य कांड पर आप राजनीति करें ये उचित नहीं है। जनपद हरिद्वार में लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रखा है। एसएसपी को शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेटों से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही पुलिस ने नाबालिगों को वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन का प्रयोग, इस पे अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा भी जनपद स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें सेक्शन 199 एमवी एक्ट के तहत 25,000 चालानी धनराशि है, वह अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई भी है। हमारे द्वारा समय समय पर अपील की गई है अभिभावकों से कि बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहनों का प्रयोग ना करने दें, परंतु अभिभावकों द्वारा पुलिस के साथ उलझा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी अपील है अभिभावकों से कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वह अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से वाहनों का प्रयोग ना करने दें क्योंकि ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए भी है, बहुत जरूरी है। हल्द्वानी का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से चर्चाओं में है। जी हाँ, आपको बता दें, इस बार फिर से जूनियर छात्र के साथ मोबाइल पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन है और एक छात्र के खिलाफ 50,000 जुर्माना और हॉस्टल निष्कासन की कार्रवाई की है, तो वहीं 43 छात्रों के खिलाफ 25,000 जुर्माना की कार्रवाई की है। इसमें ऐसा होता कि 9 तारीख की रात में शिकायत आई थी कि लड़के ने करी थी, वो 6 तारीख को एडमिट हुआ था 9 और 10 की रात में, कि उसको किसी सीनियर्स ने फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके उसका परिचय जानने की कोशिश करी और वो उसका वर्णन था कि कुछ से अपशब्द इस्तेमाल करे, यही बात हुई। कोई ऐसा नहीं, कोई फिजिकल वारदात हुई कुछ नहीं, क्योंकि हॉस्टल बिल्कुल बंद होते हैं और बॉयज़ हॉस्टल 2 बिल्कुल बंद होता है, बॉयज़ हॉस्टल 1 बिल्कुल बंद होता है, गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है, पूरा चैनल्स बंद होते हैं। फिर भी जैसे ही उसे शिकायत मिली, जो गार्ड इन्फॉर्म किया, सारे वार्डन्स पहुंच गए, असिस्टेंट वार्डन्स पहुंच गए, सारा प्रबंधन वहीं पहुंच गया, उन्होंने मौके तत्काल जानकारी ली और सब उसका करा गया। फिर चूंकि ये सेंसिटिव मामला था तो सवेरे लड़के के पिताजी को बुलाया गया था, लड़का का भी आया, उससे बात करी गई, वो करा गया। फिर डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग करी गई, जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, और उसमें उसके बाद जो था एंटी रैगिंग कमेटी जो होती है, पूरी जितने मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग भी बुलाई गई, उसमें एसपी साहब होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट लोग होते हैं, पूरे जो एक कमेटी गठित होती है वो करके उसमें वो भी गठित करी गई, उन्हें सबने मीटिंग संपन्न कर दी। उसमें उसके बाद जो लड़के लोग थे उनके बयान लिए गए, सबके लिखित बयान दिए गए, तो उसने थोड़े कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे, लेकिन आज के जमाने में जो रैगिंग पर बिल्कुल ये जीरो टॉलरेंस वो है, और ये वही बैच है जिसने 8 महीने पहले हल्ला किया था कि हमारा वो हुआ था, तो उन्हीं के लड़के कुछ थे, वो कह रहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो ये कह रहे थे, लेकिन इस पर चूंकि उसमें आता है, उस परिभाषा में आता है, तो उसमें उस पर जो हमने जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी धाराएँ होती हैं, ताकि एग्जैम्पली पनिशमेंट होना चाहिए इसमें, क्योंकि आज में अगर है किसी को फ़ोन में भी कहता है या फेसबुक में कहता है, सोशल मीडिया में कहता है, या ऐसा भी कुछ भी करता है, तो वो भी इसी परिभाषा के दायरे में आ जाता है। तो जो UGC गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनकी धाराएँ कोट करते हुए, तो जो लड़का था जिसका फ़ोन इस्तेमाल हुआ था, जिससे करा गया था रात 11 बजे, तो उसको तो हमने करा 50,000 फ़ाइन करा है और 3 महीने के लिए हॉस्टल से उसको निष्कासित भी कर दिया गया उसको। दूसरी बात जो है कि उसमें जो बाकी जो लोग थे, ग्रुप थी, वो नाम ठीक से बता नहीं पा रहे थे कि जो लोग कहते कि उसके साथ वो थे और जिन्होंने फ़ोन में उसका परिचय जानने की कोशिश की थी, तो उसको भी हमने 25,000 रुपये फ़ाइन करा गया है, और पिताजी से एफिडेविट लेंगे और उसके 1 हफ्ते का टाइम देंगे, उसमें फ़ाइन जमा करें ये लोग, और जो लड़का जो निकाला जाएगा उसको पेरेंट्स को सुपुर्द कर देंगे, ताकि जो भी उसका कहीं बाहर रहेगा उस पर वो करे, क्योंकि ये ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, डिटरेंस होना चाहिए और इसमें कोई कोताही नहीं। देखिए, ये परसों रात की घटना है, ये सूचना हुई कि रात में 3 बजे जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, उन्होंने जो फर्स्ट ईयर जो न्यू बैच है उनके बच्चों को, जो स्टूडेंट थे, रात में 2 बजे वीडियो कॉल करके उनके साथ कुछ अभद्रता करी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में इसमें एक जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है उसकी तत्काल आपातकालीन बैठक हुई और इसमें सभी दोनों जो ईयर के बच्चे थे उनसे बातचीत की गई और उसमें
चूँकि सामूहिक रूप से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल पे अगर वीडियो कॉल पर भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का शब्द कहा गया है जो कि एक बच्चे को बुरा लगा है, तो उसके क्रम में पूरे क्लास पर पेनल्टी लगाई गई है 25,000 की। और जिस पर वीडियो कॉल जिसके फ़ोन पर आई थी, मतलब जिसने वीडियो कॉल करी थी, उससे 50,000 का दंड लगाया गया है। और इसके अलावा सभी के पेरेंट्स को भी लेटर जारी किया गया है, इन बच्चों को वार्न किया गया है कि अगर भविष्य में दोबारा किसी इस तरीके की इनके द्वारा पुनरावृत्ति की गई तो इनके विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई होगी, जो कि कमेटी जिसको रिकमेंड करेगी, वो की जाएगी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।